और एक मैंने बच्चों को, क्योंकि मेरी आदत है मैं दिवाली पे अगर गिफ्ट देती हूँ, अगर वहां पर बच्चे हैं तो मैं बच्चों के लिए हमेशा अलग से चॉकलेट्स वगैरह जरूर ले जाती हूँ, अलग से गिफ्ट पैक बच्चों का, क्योंकि अगर हम घर में गिफ्ट देते हैं तो बच्चे बेचारे ऐसे मुंह उठा के देखते हैं कि भैया हमारे लिए क्या है, मतलब उनको लगता है कि तुमने घर की आइटम दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं लगता। तो मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया लगता है, जैसे अब हमारी इनर बार है, प्रोटीन बार है, फ्लेक्स बार है, आप इसका कॉम्बिनेशन बना के, अभी तो मैंने 5 डाली है, अगर आपकी पॉकेट के हिसाब से इसको आप इंक्रीज करते सकते हैं कि आप 250 का बना सकते हैं, आप ऐसे बास्केट, ये तो मेरे पास थी, तो बास्केट आप छोटी छोटी लंबी कोई भी बास्केट खरीद सकते हैं, या आप इनको भी जैसे वो ट्रांसपेरेंट ये मिल जाते हैं ना पैकेट, ट्रांसपेरेंट भी मिल जाती हैं, तो आप उसमें डाल के भी दे सकते हैं बच्चों को। क्योंकि मेरी ना शुरू से आदत है, जब दिवाली थी और जब स्टील था, प्लास्टिक भी नहीं आया था, तो मैं स्टील की प्लेट लेती थी और उसमें बच्चों के लिए अलग से बाजार से सामान ला के और उसको ट्रांसपेरेंट उससे रैप करके, घर में मेरे 2, 3, 5 जितने भी बच्चे होते थे, मैं हमेशा बच्चों को एक, मतलब दिवाली पे उनके जो है वो जो है बास्केट जो है वो अलग बना के रखती थी, कि जो हम पूजा कर रहे हैं सबको, सब मिठाई खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो त्योहार तभी है ना उनको, जब तुम दोगे उनको, उनके लिए उनके नाम से कुछ होगा। तो ये हम पर है, और ऐसे मेरा ब्रेकफास्ट सीरियल एक्चुअली बॉक्स में खोल के निकाला हुआ है, तो आप ब्रेकफास्ट सीरियल के साथ भी इनरवा को मिला सकते हैं, तो 500 का आपका वो भी गिफ्ट एम्पर बन जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। और जैसे कि किसी ने शेयर किया हमारे से जीटा टी, और इसका ऐसे आप मतलब अपनी जरूरतों के हिसाब से आपसे सब हैम्पर शेयर कर चुके हैं आप लोगों की, क्योंकि हैम्पर जो है ना हम इसकी अनलिमिटेड है, कि आप इंसानों की चॉइस के हिसाब से कि उनका, क्योंकि जो गिफ्ट देते हैं अगर वो मौके पे दी जाए और वो उसकी इंसान की अप्रोप्रिएशन के हिसाब से दिए जाए तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। अब जैसे मुझे अगर किसी टाइम क्रीम की जरूरत है और मुझे कोई क्रीम दे देगा तो उसी समय पैकेट वो उसका ढक्कन खुल जाएगा। तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, आप जो है कैसे ऑब्जर्व करके किसी को दे रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ, मेरी भांजियां मेरे साथ रही है पढ़ते हुए, हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जो भी गिफ्ट आज तक दी है मेरे पास आज तक पड़ी हुई है वो गिफ्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से अप्रोप्रिएशन दिया है कि अगर मुझे फोटो फ्रेम की जरूरत है, उसने देखा फोटो बन गई है लेकिन फोटो फ्रेम में नहीं लगी है, उन्होंने फोटो फ्रेम दे दिया तो मुझे वो अपील किया। आप अपनी लोगों की जरूरतों के हिसाब से वो गिफ्ट पैक बना के, हैम्पर बना के यू कैन गिव। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये है एक हैम्पर मेरा, और एक मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब जैसे हम लोग छोटा सा बनाया है, मैं पैक नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, सॉरी। इट्स ओके मैम। ये मैंने उसमें एक पेस्ट रखा है, ये डेंटर, और एक कॉम्प्लेक्शन बार और एक शैम्पू, ये मेरा 300 का। जैसे हम छोटे मतलब जैसे दूसरे एम्प्लॉयज भी होते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं, जैसे वो साबुन पेस्ट शैम्पू सब मार्केट से खरीदते हैं, तो ये 300 का मेरा बना है बाउच। ये 300 का बना है कि अगर हम लोग उसको, कि जैसे जो छोटे लोग हैं कि नहीं ले पाते हैं, उनको अगर हम ये छोटी छोटी चीजें 300 का मार्केट से कोई भी सामान लेता है, अगर आज हम उनको ये देते हैं तो उनको भी एक उसको अच्छा लगेगा और उसको काम करने के लिए हम प्रेरित कर पाएंगे उस चीज के लिए कि नहीं आप इससे जुड़िए और इसमें काम करिए, आपको इसमें अर्निंग्स भी मिलेंगी धीरे धीरे। वेरी गुड सुनीता मैम, वेरी गुड। मेरा ये सोचना है इसको छोटे, मेरे इसलिए छोटे हैम्पर बनाए हैं कि मतलब अगर हम किसी को देते हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ये है कि अगर ये छोटे छोटे हैम्पर देंगे तो वो आगे इसको यूज करने के बाद वो हमारे से और ज्यादा जुड़ेंगे उस चीज के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अर्शिया ने जो हमने जो रैंपर्स बनाए हैं वो विदीना 1000 की रेंज में बनाए हैं, क्योंकि मेरे जो फ्लोर पे जो लोग हैं उनको गिफ्ट करना है, और अर्शिया के जो फ्रेंड्स हैं उनको मोस्टली हम 500 तक का कुछ कुछ गिफ्ट करते हैं, तो इसलिए हमने नॉमिनल रेंज में 4 हैंपर्स बनाए हैं जो मैं अभी आपको जस्ट शो करूंगी।
firstly, Arshia will sew her own hampers by herself. So, Arshia, चलो बताओ अपने हैम्पर्स. Hi, good morning, everyone. Good morning. I'm Arshia Singh. Good morning, Vicky. दिवाली की मची है धूप. बेस्टीज के हैम्पर्स है सुपर कूल. हैम्पर मैंने अपने जो मेरे लव एंड फ्रेंड्स हैं, थोड़े मतलब क्लोज उतने भी नहीं है लेकिन फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैंने ये पाउच बनाया है. इसमें एक एस्टोर नेचुरल का हैंड एंड बॉडी लोशन है, क्योंकि इसका मुझे वो अरोमा बहुत अच्छा लगता है. ऑर्चिड का जो खुशबू आती है ना, दैट इज वेरी नाइस. और एक फेस वॉश है, बस अपना जो क्लियरिंग फाइंग फेस वॉश है ना वो है. और इसकी कॉस्टिंग जो है इसकी कॉस्टिंग में विदिन ऑफ 500 ही है. इसकी डीपी प्राइस 224 है और इसकी डीपी प्राइस 146 है. ठीक है. एंड अभी सब लोग हैं तो मैं अब जाऊंगी. अर्शा अपना सेकंड हैम्पर दिखाओ जल्दी से. तो ये एक छोटा सा पाउच है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए प्रिपेयर किया है, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स. और इसमें है एक बेलिनो लिप बाम, एक बेलिनो लिप्स कलर और एक एश्योर हैंड सैनिटाइजिंग. ये पाउच मैंने बल्क में लिया था तो इसकी कॉस्टिंग मुझे 35 रुपीज पड़ी थी. तो हमारे जो बेस्टीज के जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, उसकी कॉस्टिंग जो डीपी प्राइस है वो 438 आएगी, मतलब इन तीनों प्रोडक्ट्स की. और अगर इस पाउच की कॉस्टिंग इंक्लूड करें तो इट विल बिकम 473, मतलब विदिन अ 500 फॉर यंग चिल्ड्रंस लाइक अर्शिया. इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आप लोगों को शायद ठीक लगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू यूज लिप बाम, दे आर गोइंग टू अवर न्यू रेंज जो वेलुनो है उसके सेट्स काफी गर्ली है तो वो यूज कर सकते हैं. और सैनिटाइजर तो पता ही है, एवरीबडी इज यूजिंग. और एक ये मैंने छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बनाया है जो एक फ्रेंड की डॉटर है उसके लिए बनाया है. बलिनो का एक कॉम्पैक्ट एंड एक लिपस्टिक एंड एक नेल पेंट. पीवी केवल 20 पीवी है इसके और प्राइस 575. तो इस तरीके से हम बहुत कुछ बना सकते हैं इसमें. तो सबसे पहले मैंने अपने कजिन्स को गिफ्ट करने के लिए मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट डिसाइड किया है. क्या आप वो गेस कर सकते हो? इंडिगो चॉकलेट पाउडर. यस. ये टेस्ट में है बेस्ट. सेहत का भी रखता है पूरा ध्यान, सर्दी गर्मी या हो बरसात, देता है मेरा पूरा साथ. क्या कहा? अरे नहीं, तन की शक्ति मन की शक्ति नहीं, ये प्रोडक्ट है कुछ खास, इंडिगो चॉकलेट पाउडर. ये अर्शिया ने अपने कजन्स के लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि अर्शिया थ्रू आउट ये 2-3 साल से ले रही है. तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर फैमिली किड्स ऑल्सो. फैमिली किड्स को अब इस पे यकीन हो चुका है. और एज यू नो इसकी डीपी 505 है, ये 200 ग्राम वाला मतलब ये है. इसको हम ऐसे भी गिफ्ट कर सकते हैं, इट्स लुक नाइस. अगर इसको अच्छे से डेकोरेट करें तो हैम्पर के साथ जस्ट फॉर द किड्स हम ये गिफ्ट कर सकते हैं. और इसकी जो डीपी है वो 590 है और पीवी इसमें हमें 16.83 मिलेंगे. तो इट्स अ गुड चॉइस इसको मतलब गिफ्ट करना. अब एक ये हैम्पर है जो मेरे फैमिली जो फ्लोर पे है ना सारे लोग, उनके लिए मैंने ये हैम्पर प्रिपेयर किया है जस्ट फॉर द फैमिली जो फ्लोर्स पे है उनके लिए. इसको मैं खोल के दिखाती हूँ. ये हैम्पर इसके अंदर 4 चीजें डाली है. ठीक है. इसके अंदर एक गेटा कॉफी है, एक इंडिगो ड्रिंक है, एक मेन एक्टिव डियो है और एक वुमेन एक्टिव डियो है. गेटा कॉफी एज विंटर इज कमिंग उसकी वजह से
और इंडिगो ड्रीम किड्स के लिए, ठीक है, और ये फॉर द मेल मेंबर, ठीक है, और ये फॉर द वुमेन मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो ये हमारे चार हैम्पर थे और इस वाले हैम्पर की पूरी कॉस्टिंग आ रही है MRP 800 है और DP प्राइस इसकी हमारी टोटल 684 आएगी। तो विद इन 1000 मतलब अगर प्लान करते हैं किसी को गिफ्ट करना तो इट्स अ यूजफुल हैम्पर एंड इसमें हमें टोटल PV 21 मिलेंगे, मतलब इसकी जो सारे PV है दैट इज 21। तो जो आज की मेरी टैगलाइन है दैट इज दिस दिवाली सेलिब्रेट टुगेदरनेस विद वेस्टेज हैप्पीनेस। मैंने एक्चुअल में दो हैम्पर बनाए हैं पर मेरे को टाइम ही नहीं लगा कि उसको मैं पूरा कर पाऊँ, पर मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि ये मेरा 700 का गिफ्ट हैम्पर है जिसमें मैंने मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लोशन और नाइट क्रीम और एक नाइट ग्लो करके जो नाइट फेस पैक आता है वो मैंने उसमें, वो मेरा 700 का गिफ्ट पैक बना है। और मतलब मैं जैसे अपने फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड्स यूज करते हैं, मुझे पता है कि मुझे 1000 के अंदर में देना है तो मैं शायद इसमें और भी चीजें ऐड कर दूंगी। पर ये मेरा 28 PV का बना है और इसमें 4 प्रोडक्ट है। जैसे वो मैं मॉइस्चराइजर पहले लैक्मे का यूज करती थी पर अब ये यूज करते हो तो इज एक्सीलेंट, मतलब जिसे कहना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है। और सनस्क्रीन लोशन भी मैं हमेशा लैक्मे का ही पहले यूज कर रही थी इतने सालों से, कभी मैंने कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता है, पर मैंने इसको यूज करा और फिर उसका फायदा भी सबको बताया तब। और मतलब मैं हम लोग काम कर रहे हैं उस पर और लोगों को बता भी रहे हैं उसकी। अब मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि मैंने सबको काफी लंबा हमारा आज का प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं आपको आज गिफ्ट नंबर 1 हैम्पर जो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए लाई हूँ मैं सबसे पहले आपको ये शो करूंगी। आप इसमें देख सकते हैं तो देखिए इसमें मैंने एक डिश वॉश रखा है, एक हैंड वॉश है, एक हेयर कंडीशनर है, एक आंवला है और एक नीम सोप है। और मेरी इसकी कॉस्ट केवल 758 आई है, ओनली 758 मेरे इस हैम्पर की। इसमें हर चीज रखने का कोई मकसद है, डिश वॉश इसलिए रखा है क्योंकि उनके हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, हैंड वॉश भी इसीलिए रखा है, हेयर कंडीशनर उनके बाल बहुत रुके हैं, आंवला उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आंवला दूर कर देगा, और नीम सोप भी मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि एंटी जर्म्स होता है ताकि उनके हाथ अच्छे हो जाएं। तो ये मेरा एक बहुत ही नॉमिनल रेंज का 758 का हैम्पर बना। मुझे आप लोगों का एक थंब चाहिए और एक क्लैपिंग चाहिए जोरदार, जितने भी लोग मुझे दिख रहे देख रहे हैं तो सबकी क्लैपिंग चाहिए। तो इट्स अ वेरी नॉमिनल रेंज दैट इज ओनली 758 और मेरे PV बने इसमें 25 PV बने मेरे। एक जो मैंने बनाया हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ, ये पोटली में है, इसमें मतलब इस तरीके से ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो, सुंदर सी ऐसी पोटली भी जिसे वो पोटली भी यूज कर सकते हैं, मतलब वेस्ट नहीं जाएगा आपका जो गिफ्ट पैक है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें मैंने 4 प्रोडक्ट लिखे हैं, ये फेशियल किट है, बेसिकली फेशियल किट है और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एक्चुअली, क्योंकि मेरी ब्यूटिशियन घर पे आती है क्योंकि बहुत सालों से मतलब हम घर पे ही बुलाते हैं, मुझको थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और थोड़ा हाइजीनिक लगता है मुझे कि पार्लर में कई बार वो टॉवल्स, वैसे तो ध्यान देते हैं बहुत अच्छे पार्लर हो वो लोग तो फिर पैसे भी 2000-5000 लेते हैं। तो अगर मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने इसमें क्लेंजर एंड टोनर लिया है और मैंने एश्योर नेचुरल का स्क्रब लिया है, और डे क्रीम से मसाज कराई है, और मसाज आप मसाज क्रीम से भी करा सकते हैं, एश्योर की डे क्रीम से भी करा सकते हैं और स्किन फार्मूला की हाइड्रेशन क्रीम से भी करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ये आपका हैम्पर चेंज हो जाएगा। तो वैसे जो ये वाला है ये अपना डे क्रीम से है, मैंने नॉमिनल लिया है और उसके बाद फेस पैक लगाना है इंस्टेंट ग्लो। तो ये 4 चीजें मतलब आपका इसमें फेशियल कंप्लीट हो जाता है। तो आप किसी को भी दें क्योंकि ये जो है रेकरिंग आपका रेकरिंग रहेगा, जो भी एक बार इससे शुरू कर देगा ना, और आप अगर घर में बुलाते हैं तो वैसे वो शायद 600 रुपए लेती है अगर अपना किट यूज करती है, आप अगर ये किट बना के किसी को गिफ्ट में करते हैं, और मैंने शुरुआत अपने से की है
मैंने अपना फेशियल सितंबर में इसी से ही कराया था, फोर प्रोडक्ट से, और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे और सबने मुझे कमेंट्स भी दिए थे कि यार यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। और मेरी पड़ोसन को भी मैंने अपने ही प्रोडक्ट देके उसको फेशियल कराया, जिससे उसको भी आदत पड़ेगी और उसको अच्छा लगेगा। अच्छे प्रोडक्ट से हम फेशियल करा रहे हैं और फेशियल वाले ने 300 रुपीज लिए, तो आपका कितना अच्छा फेशियल हो गया। और इसमें कम से कम नहीं तो मेरा ख्याल 5 या 6 फेशियल हो जाएंगे जो मुझे लगता है, तो आपको इतना इकोनॉमिकल पड़ेगा और आप आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। इसकी कॉस्ट जो है 991 है और पीवी इसके मतलब मेरे ख्याल है कि 36 मतलब 30 पीवी के करीब 32 पीवी मिलेंगे हमें। तो ये एक हैम्पर है जो आप खुद भी यूज करेंगे और कभी भी त्योहार की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी फ्रेंड्स को मतलब उनका बर्थडे या एनिवर्सरी आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप गिफ्ट करेंगे तभी त्योहार है, क्योंकि आपको मतलब पीवी मिलेंगे, आपको चेक बढ़ेगा, तो आप महीने में 3-4 भी अगर ऐसे गिफ्ट हैम्पर बना के अपनी फ्रेंड्स को देते हैं तो आप बताइए आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा। त्योहारों के साथ बेस्ट चीज खुशियों की बाहर लाया, क्या बात है। इसमें मैंने भी बनाया है हैम्पर जैसा कि कहा गया था, तो इसमें मैंने एक तो ये हैम्पर बनाया है। मेरी टोटल इस हैम्पर की कॉस्ट है 1115 रुपए। ये बेसिकली मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाया है और इसमें सारे फैमिली प्रोडक्ट्स हैं कि जो फैमिली में हर एक बंदा यूज कर सकता है, चाहे वो हाइजीन हो चाहे वो हेल्थ के उस पर्पस से हो। इसमें मैंने एक नीम सोप, एक कॉम्प्लेक्शन बार और एक हैंड क्लींजिंग जेल भी रखा है पॉकेट वाला, और एक मैंने चारकोल पील ऑफ फेस मास्क रखा है, हेयर ऑयल रखा है, एक शैम्पू रखी है, एक मैंने फेस वॉश, हैंड एंड बॉडी लोशन एंड एक मैंने हैंड वॉश रखा है। अब सोचिए सिर्फ और सिर्फ 1115 रुपए में हमारे कम से कम 9-10 प्रोडक्ट्स, isn't it economical? और इसमें कितनी वैरायटी मिल गई हमें, ये हमारे टोटल 43 पीवी बनते हैं इसमें। और ये एक फुल पैक है, मतलब आप इसको देके एक हमारे डेली यूज की सारी चीजें इसमें आ जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसे आज का टॉपिक था कि त्योहार आया बेस्टीज की बहार लाया, तो जैसे सूरी मैम ने भी कहा, आपने भी बताया सब कि त्योहार में हम एक दूसरे को गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं, तो तोहफे बांटना जो है वो तोहफे बांटना नहीं होता, वो खुशियां बांटना होता है अपनों के बीच में। तो हम लोग समझ लो कि खुशियां बांट रहे हैं, जितने तोहफे देंगे उतनी खुशियां हमारे तरफ से जाएंगी और हमारे पास पलट के भी आएंगी, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है मैम ये। और मैंने जो अपने लिए गिफ्ट हैम्पर बनाया है मैम, ये मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये मैंने इसमें मेरे कोको पीक भी बटर है, साथ में एश्योर का मेरा एक फेस वॉश है, एक सन डिफेंस वाला है, एक मेरा क्लीनर एंड टोनर है और एक मेरा इंसेंट जो टेलकम पाउडर है वो है। ये हमारे मेरी ब्लॉक में एक बच्ची का बर्थडे है कल, तो मुझे ये आपकी तरफ से आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि उसको अगर गिफ्ट देना है क्योंकि लड़की है तो बहुत खुश होगी वो, क्योंकि उसकी सारी की सारी उसकी चीजें पसंद की है। और दिवाली के लिए तो हमें आइडिया बहुत अच्छा मिल गया कि बजाय इसके कि हम मिठाइयां लाते हैं, मिठाइयां इधर उधर फेंकी जाती हैं या इधर उधर बांट दी जाती हैं, कोई यूज नहीं करता उनको, ये तो पक्की बात है। फ्रूट्स भी देते हैं, कोई कितने फ्रूट्स खाएगा, तेरे आए तो उसको दे दिए उसको, पर ये हैम्पर जितने जिसके पास आएंगे वो किसी को आगे बांटेगा नहीं, क्योंकि ये तो अपने लिए आया ना, हमारे लिए आए गिफ्ट। बाकी गिफ्ट जो आते हैं हम लोगों के लिए होते हैं, पास ऑन करते रहते हैं, आगे के आगे आगे के आगे चलते रहते हैं, ये गिफ्ट हर कोई अपने पास संभाल के रखेगा। अब मैं इसको दूसरा हैम्पर आपको शो करने वाली हूँ। नाउ सी माय अनदर हैम्पर, दिस इज सेंटर में ध्यान दीजिए, हैंड क्लींजिंग जेल है इसमें, जिसमें उनको प्रॉब्लम है एक्चुअल में जिसके लिए मैं दे रही हूँ, तो इसमें मैंने ग्लूकोसामाइन रखी हुई है, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ये दो चीजें मैंने इसमें जरूर डाली हैं, बाकी पेस्ट है, कॉम्प्लेक्शन बार है, टैल्क है
और नीम सोप है, क्योंकि यदि किसी चीज से आपकी कॉस्ट हायर की तरफ जा रही है, आपको कंसर्न पर्सन को कंसर्न गिफ्ट भी देना है, तो और चीजें आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट डाउन है बट वो बहुत अच्छा गिफ्ट है। हमारा कॉम्प्लेक्शन बार किसी से कम नहीं है, हमारा नीम सोप किसी से कम नहीं है, हमारा टैल्क मेजर से मेजर इचिंग पे काम करता है। कभी भी आप फील करिएगा जब जो भी लोग बालों में हेयर कलर यूज करते हैं तो नेक पे पीछे खुजली होने लगती है, आप तुरंत अपना ये टैल्क स्प्रे कर लीजिए, अच्छे से डाल के मल लीजिए, आप देखेंगे विद इन टू मिनट्स वो खुजली गायब हो जाती है। और ये जो देखिए हैंड क्लींजिंग जेल का तो अभी जमाना है, ये हमारे 7 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, मैं इसको बहुत वैल्यू देती हूँ। और देखिए मेरा ये हैम्पर भी कोई, जबकि मैंने इसमें ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम रखा है तब भी मेरा ये केवल 1275 में ही बना है, तो दैट इज नॉट कॉस्टली। तो क्योंकि मुझे हर चीज देखनी है, मुझे जिस घर में दे रही हूँ उनके उपयोग की चीजें भी देखनी है और मुझे साथ में ये भी देखना है कि मेरी कॉस्ट कहाँ जा रही है। तो मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही हूँ, मैं उनके लिए यूजफुल चीज दे रही हूँ और मेरी जेब के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। और देखिए मेरे इसमें 40 पीपी बनते हैं, सो 1275 मेरी कॉस्ट आई, मेरी डीपी, और इसमें मुझे 40 पीपी मिले। सो नेक्स्ट आई विल गो इन हैम्पर नंबर 3। बहुत लोगों को बोलना है इसलिए मैं बहुत फास्ट जाऊंगी। नाउ यू कैन सी माई हैम्पर एंड दिस इज, इसमें आप ध्यान दीजिए, अल्ट्रा वॉश है, हैंड क्लींजिंग जेल है, हैंड वॉश है, क्योंकि जिनको मुझे देना है मैंने उनकी यूटिलिटी का सामान दिया है, फेशियल फोम है, इसमें अल्ट्रा प्रोटेक्ट है और डिसइंफेक्टेंट है। इसकी कॉस्ट 1516 रुपए आई है और मेरी 48 पीवी अबाउट आप समझ लीजिए आपको 50 पीवी केवल इस हैम्पर में मिल जाएंगे। 1500 की कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है, 1516, क्योंकि आपने एक बात और देखिए, ये दो चीजें तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर ली बट इस पे एमआरपी पे डीपी कैलकुलेट करिए, डीपी पे अपने पीवी कैलकुलेट करिए, पीवी पे अपनी कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करिए और कंसिस्टेंसी पे अपने फ्री गिफ्ट्स कैलकुलेट करिए और उस फ्री गिफ्ट पे अपना चेक कैलकुलेट करिए। और जब आप ये ऑर्डर करते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपको लगातार फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो भी कैलकुलेट करिए। तो ये 1275 मैंने मोटा मोटा केवल आपको डीपी दिया है, यदि आप इसकी कॉस्ट एक्चुअल में सारे कैलकुलेट करते हुए निकालेंगे तो आपकी मैक्सिमम 700-800 की कॉस्ट आएगी। बताइए अच्छा है या बुरा? यस, नेक्स्ट मैं आपको एक हैम्पर और दिखाऊंगी। मैंने 4 हैम्पर बनाए हैं, मेरे सभी लोगों ने बनाए हैं, तो क्योंकि ये हमारा यूनिट प्रेजेंटेशन है, नॉट ओनली फॉर मी। अब ये मेरा एक सबसे बड़ा हैम्पर है और यू कैन सी दिस इज माय हैम्पर, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। मैं बाद में इसको फोटो खींच के भी डाल दूंगी और आप लोग यदि इसकी एक एक चीज मांगेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगी। अब यदि आप इसे ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो इसमें एक तो चाय है, टी जो लोग सबको चाहिए, एक स्पाइस टी है, एक कॉफी है, एक कोको पीच बटर। और मैं आपको बताऊं पिछले हफ्ते से मैं नहाने के बाद पूरी बॉडी पे कोको पीच बटर ही अप्लाई करती हूं और ये ना तो स्टिकी है, तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और 24 घंटे पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज रखती है। आई लाइक दिस प्रोडक्ट वेरी मच। मैं ये अपने सब लोगों को देना चाहती हूँ क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छी है, 200 ग्राम्स की इसमें क्वांटिटी है, पीछे तो हमें केवल 338 में मिला, बट यदि आप इसकी, मैंने इसमें 338 नहीं लिखा है क्योंकि मुझे अब नहीं मिलेगा, मैंने इसकी 450 ही लिखी है। इसके बाद इसमें एक इंस्टेंट ग्लो शीट है, एक इंस्टेंट ग्लो पैक है, एक हेयर कंडीशनर है, एक फाउंडेशन, एक हेयर ऑयल, एक एलोवेरा, एक नीम सोप और एक कॉम्प्लेक्शन बार। और आप बताइए कि इसकी क्या मेरी डीपी आई होगी? मेरी डीपी केवल 2138 है। ये डीपी है 2100 का शगुन तो आजकल कोई भी किसी को चलते फिरते दे देता है। अब 500 का जमाना गया, अब जमाना है कोई भी 1100 से नीचे नहीं देता और 2100 से नीचे नहीं देता। तो देखिए इसकी मेरी 2138 आई है और मुझे इसमें 70 पीवी मिल रहे हैं। क्या बुरा है? आपकी 2138 आई, फिर आपने इसके ऊपर फिर आपने गिफ्ट लिया, आपने डीपी ली, आपने इस पे कंसिस्टेंसी ली, आपने इस पे अपना आपने चेक लिया, तो यदि आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आपकी मुश्किल से 1400 रुपए रह जाएगी। अब मुझे बताइए, उन लोगों से मुझे बात करनी है जो ये कहते हैं वैसे महंगा है, महंगा है, महंगा है,
उनको एक बार कहने से पहले सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को विराम देना पड़ेगा, अपने को खाली करना पड़ेगा और दूसरों की सुनना भी सीखना पड़ेगा।